श्री कृष्ण कहते हैं, आप पीछे बोले हाँ, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। भगवान कहते हैं अगर आप नित्य अभ्यास करते रहेंगे, किसका, प्राणायाम का होए, मंत्र का होए, या साक्षी भाव से मन को निर्विचारिता में लेके जाने का होए, कुछ भी हो सकता है, इस अभ्यास से अगर आप युक्त हैं, आपकी चेतना अभ्यास वाली है, नान्यः गामिनः, और अन्य किसी का चिंतन न करती हो, दोनों बातें हैं। सुबह एक घंटा राम 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 और बाकी के 23 घंटे काम काम काम, तो बात नहीं बनेगी। अन्य भाव में मन न जावे, कदाचित मन शांत रहे, अभ्यास से योग युक्त रहेगी चेतना जो, तो फिर परमं पुरुषं दिव्यं, वह परम पुरुष दिव्य का चिंतन करता हुआ, वह अनुचिंतयन उसका चिंतन करता हुआ, उसी को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान का दिया हुआ वचन है, ये उनका दिया हुआ हमें प्रॉमिस है। एंड भगवान डजंट लाइज, सत्य कहता है। हमारा मन अभ्यास योग युक्त होए तो सच बात तो ये है। ये गीता में एक बड़ी, एक और बड़ी प्यारी बात आती है, भगवान कहते तुम मेरा भजन करते रहो, योग क्षेमम वाम्यम, चिंता ही मत कर, तेरा योग क्षेम सब मेरे जिम्मे। हाय क्या करेंगे, हाय क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, वे चिंता हम क्यों करें, ये तो ऐसा हो गया। आपका 5-6 साल का बच्चा, पोता पोती कोई आपके पास आए और रो रो के कहे, मम्मी कल हमें रोटी खाने को मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, कल तू मुझे प्यार करेगी कि नहीं करेगी, कल तू मुझे खाने को ब्रेड देगी कि नहीं देगी, और वो रोए तुम्हारे सामने, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम वो पागल है, मैं तेरा बाप हूं, तेरी माँ हूं, तुम्हें तो रोज खाने को दूं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो आप भी लगभग वैसे ही लगते हो उस छोटे से बच्चे जैसे, जब चिंता करते हो, हाय मेरे कल क्या होगा, हाय मेरे बच्चों का कल क्या होगा, हाय मेरा कल क्या होगा। अरे भगवान है ना सर पे बैठा, तेरा कर्म है ना तेरे साथ, अभ्यास योग युक्त रहे, नो नीड टू वरी एट ऑल, ऑल वरीज विल बी गॉन, गॉन गॉन विद द विंड। मन को शांत रखना, जितना मन शांत रहेगा, जितना मन एकाग्र रहेगा, आपकी संकल्प शक्ति उतनी बढ़ जाएगी। आपकी जितनी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी, आपके जीवन से अनावश्यक और बेकार की सब चीजें छूट जाएंगी, अपने आप से फूट जाएंगी। सो प्यारे, अपने मन की चाबी किसी को नहीं देना। अभी ना आपके मन की चाबी पता नहीं किस किस के पास है, क्योंकि कभी कहते हो डार्लिंग पत्नी तेरे बगैर मैं रह नहीं सकता, कभी कहते हो मेरे डार्लिंग बच्चों के बगैर मैं रह नहीं सकता, कभी तुम कहते हो मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, कभी बोलते हो मैं, तो तुमने अपने मन की सुख शांति की चाबी पता नहीं किस किस को दे के रखी। चाबी एक को ही देनी चाहिए, सबको नहीं। किसको दो? जो गुरुदेव ने कहा ना, प्रभ एह मनोरथ मेरा, मन का अर्थ सिर्फ ईश्वर से। व्यवहार में जो कुछ करना है सो आप करिए, पर यह बात ध्यान रहे कि घर से निकलने लगो तो याद कर लो उसको, और भोजन करने लगो तो भोजन को पवित्र करो, और कोई काम शुरू करने लगो तो भगवान को याद कर लो। भगवान को याद करने का अर्थ ये नहीं होता कि आप राम 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 की रटन लगाओ, भगवान को याद करने का अर्थ है कि मन को खाली कर दो, और मन को यह समझ आ जाना चाहिए संसार असार है, कितना कमा लो तो भी बेकार, ना कमाओ तो भी बेकार, सत्य एक ही है। तो मैं अपना कर्म करूं जरूर, पर इससे आगे अपने मन को मैं बेचैन नहीं करूं,
I should do my job nicely, perfectly, and in an excellent way. Never do a shabby job. Never do a shabby job. Yahan to lucky ek bar koi mere samne rone lag gaye. To wo thoda thoda ro rahe the. Maine kaha dekho agar aap dukhi ho aur rona chah rahe ho, I give you time, please cry. Ro lo, halke ho jao. It's a treatment actually. थोड़ा थोड़ा रोने से तो अंदर दबा रह जाएगा, निकल लेने दो, पूरा निकल जाएगा, मन हल्का हो जाएगा. अब वो तो थोड़ा थोड़ा रो रहे थे ताकि हम उन पे कुछ दया करें या पूछें उनसे. हमने तो बातें दूसरी करी, वो बिल्कुल सीधी होके बैठ गई, कहती नहीं मेरे को कोई रोना नहीं आ रहा है, वैसे पहले का चल रहा था देवी जी. आदत हो गई है, अपने दुखों को याद करते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे दुखी होते रहते हैं, फिर दुख दूसरों को सुनाते रहते हैं, फिर सुन के और दुखी होते रहते हैं. माने खुद दुखी होकर बड़ा मजा आता है और दूसरों को दुखी करके बड़ा मजा आता है. बहुत शरारती बच्चे हो तुम, अच्छे बच्चे बन जाओ ना, अपने मन को तड़पाओ ना किसी और को तड़पाओ. तो भगवान के इस श्लोक का ध्यान चित्त में रखते हुए आज अपने घर को जाइए. तत्समात सर्वेशु कालेशु मामन स्मर युद्धच, सर्व काल में, सर्व स्थान में, हर वक्त, हर घड़ी, हर पल ये चिंतन ईश्वर का मेरे अंदर बना रहे. सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है श्लोक, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म. वही सत्य, वही ज्ञान रूप, वही अनंत है, वही ब्रह्म है, इसलिए बस उसी का स्मरण चले. बाकी खेल है प्यारे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, ड्यूटीज का, डू इट. रात सोने से पहले फिर से संसार का चिट्ठा फाड़ के सोना चाहिए, मतलब ये हाय के साथ सोना नहीं चाहिए, हाय के साथ नहीं, चिंता के साथ नहीं सोना चाहिए. सोने से पूर्व अपने बिस्तर में बैठ के एक दीर्घ श्वास भरना, दीर्घ माने लंबा श्वास, दीर्घ श्वास भरना और श्वास को छोड़ देना, धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना, जल्दबाजी में नहीं, धीरे धीरे श्वास भरना और धीरे धीरे श्वास छोड़ना. इसमें क्रम दे देती हूँ, गिनती जैसे सेकंड की होती ना, एक दो तीन, घड़ी की टिक टिक जैसे चले, बस उस गिनती को श्वास अंदर भर रहे हैं, एक दो तीन चार, जितना लंबा आप श्वास ले सको, फिर उसे बाहर छोड़ दो उतना गिनती, चार का ही गिनती या तीन का गिनती करते हुए. थोड़ी देर ये किया और फिर उसके बाद अगर तीन की गिनती में श्वास लिया तो छह की गिनती में श्वास को बाहर छोड़ दें, एक दो तीन, और श्वास छोड़ा तो छह, डबल दी अमाउंट. ये करें, दस बार कर लो, बीस बार कर लो. करने के बाद अपने मन में एक विचार उठाओ, सब अच्छा है, सब ठीक है, जो हो रहा है शुभ हो रहा है, जो होगा शुभ होगा. समझे क्या है? जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होगा ठीक ही होगा. गलत क्यों होगा? गलत कुछ नहीं होता, जो है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा. ईश्वर मेरे हैं, मैं ईश्वर का हूं, तो मैं किस बात की फिक्र करूं? तो ऐसे निश्चिंत होकर के श्वास को सही करके निश्चिंतता पूर्वक सो जाए. तो भगवान स्मरण करते हुए सोए और सुबह उठे तो, और नहाने गए तो, और खाने गए तो. मैं तो कहती हूं लड़ने भी लगो ना तो भी को रुक, हम जरा अंदर अपना गोता लगा ले. क्योंकि बेकार लड़ने का क्या फायदा भाई किसी के साथ? पति पत्नी का देखो झगड़ा हो सकता है, पति पत्नी का झगड़ा तो प्यारा झगड़ा होता है, तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. पर झगड़ने लगे तो भी याद रखे, नहीं तो अक्सर पत्नियां क्या सेंटिमेंटल हो जाती, मेरा कोई नहीं है, तुम मुझे समझते नहीं हो. ये एक यूनिवर्सल डायलॉग है पत्नियों का, तुम मुझे समझते नहीं हो,
मुझे कोई प्यार नहीं करता. ये डायलॉग जीवन में अगर छूट जाए ना, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही बड़ा आराम आ जाए. तो प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ. परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूँ. तो चित्त को शांत करके स्मरण करते हुए सोए, स्मरण करते हुए जागे, चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं है. आखिर में एक छोटी सी बात कह देती हूँ आज के लिए, जो मैं सोच के ही आई थी. सुबह जब आप प्राणायाम करने लगें, तब प्राणायाम से बाद में चाहे अपना बायां या दायां अंगूठा ऐसे अपनी आंख के सामने रख लें, दृष्टि के एकदम सामने आ जाए. और यहाँ सामने रखते हुए अपनी आंख की पुतली को अपने नाखून के ऊपर ले जाइए. तो नाखून को देखते हुए त्राटक करें और श्वास गहरी लेते रहें. अब इसी में योग में हम एक इसको एक्सरसाइज भी है, आंख की पुतली की एक्सरसाइज है. और ये है आंख यहीं रहे, गर्दन नहीं हिले, सिर नहीं हिले, सामने देखते हुए आपने अंगूठे को हिलाया और आपकी आंख की पुतली, सिर नहीं है, ऐसे नहीं करना, सिर यहीं है पर सिर्फ आंख वहां तक गई. ऐसे घुमा के यहाँ ले आए, ऐसे ही फिर घुमा के इधर ले गए, आंख की पुतली उसको वॉच करती रहे. दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर आई मसल्स. दूसरा, ये आपकी त्राटक को अच्छा करेगा. तीसरा, ये मन को एकाग्र करेगा. और चौथा, ये कुछ समय बाद, एक ही दिन में नहीं, कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आपके मन में एक बल आ जाता है, एक शक्ति आ जाती है, एक दिव्यता आ जाती है. और साथ ही साथ अगर आप दूसरी साधनाएं करें, जैसे त्राटक का जो पूरा स्वरूप है वो करें, प्राणायाम करें, एक चीज़ बिल्कुल तय है कि यू विल नेवर हैव मेमोरी लॉस. 70-60 तक आते आते ना याददाश्त ढीली पड़ने लग जाती, चीज़ें भूलने लग जाती हैं. तो अगर ये एक्सरसाइज जो मैं कह रही हूँ, इसमें श्वास को गहरा रखते हुए आप इसे देखते हुए, ऐसे थक जाएं तो हटा लीजिए, तो फिर सामने कोई चीज़ है तो चाहे उस पर रख लें. कई बार क्या है कि सामने कोई किस विषय पे, कहाँ हम आंख टिकाएं, कोई एक पॉइंट हो सकता है. दिस इज द क्लोजेस्ट विच यू कैन गेट. हालांकि कृष्ण ने नासिकाग्र और भ्रूमध्य ये दो स्थान शरीर के भी बताए हैं, पर इस पे ध्यान कैसे टिकाते हैं ये मैं फिर अगले बार जब बैठेंगे तो इस विषय को मैं और स्पष्ट आपको कर दूंगी. आनंद से, प्यार से. अच्छा, एक छोटी बात और. तुम कहोगे आपने पहले कहा था एक छोटी, पर मैं क्या करूँ ना, एक और आ जाएगी तो हम रोकेंगे तो नहीं ना, है ना, कह ही देंगे. कहूँ नहीं कहूँ? हाँ, आज एक बड़ी मस्त बात हुई. मस्त बात यह है कि यहाँ शिमला में एक, बताएंगे नहीं कौन सी सड़क पर, एक सड़क है जहाँ हम सुबह सैर करने जाते, बताऊँगी नहीं कहाँ पर. तो मेरे ये जो आश्रम के जो साधु हैं, ये मेरे साथ थे ब्रह्मचारी, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा देखो इतना प्यारा जंगल है, इस जंगल में मंगल करेंगे. बोले कैसे? मैं जंगल में मंगल ऐसे करेंगे, एक पांव उठाएंगे हर हर ओम, दूसरा पांव उठाएंगे हर हर ओम, 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 हर हर ओम. मैं ये बोलते, चूंकि उस समय कोई था नहीं तो ये तो साथ में ताली भी बजा रहे थे, हर हर ओम, हर हर ओम, हर हर ओम, हर हर. 6 लोग थे, कतार बना ली, 6 के 6 ताली बजाते हुए हर हर ओम, हर हर ओम, हर हर ओम, हर हर ओम करते करते कब एक घंटे भर की सैर हो गई पता ही नहीं चला. ऐसे भी सैर हो सकते. तो ये जितने शिमला वाले हैं, ये जब घर को जाओगे ना तो चल के जाना है. तो जब चल के जाना है तो आज अब ताली अकेले बजाओगे तो लोग कहेंगे हैं इनू क्या हुआ, बीबी क्या पागल आ गई, ये महाराज पागल करा रहे क्या करा रहे काम. तो मन ही मन कर लेना, पर 2-4-6 अगर हो तो 2-4-6 तो हिम्मत करके 2-4-6 ताली बजाते हुए और भजन गाते हुए हर हर ओम, हर हर ओम करते हुए घर को चले जाओ, बड़ा आनंद आएगा. अच्छा, बोल ना सको तो मन में, ताली ना बजा सको तो जो पैर की कदम है यही ताल हो जाए. तो भजन करते हुए घरों को जाइए. कल की जो सभा रहेगी, इसमें कल मैं आपको प्राणायाम कैसे करना चाहिए उसका एक सिटिंग हम अभ्यास यहीं पे आपको कराएंगे, ताकि आपका मन के ऊपर जो पकड़ है वो अच्छी हो जाए, मन भागता ना फिरे, मन स्वस्थ रहे, एकाग्र रहे,
शांत रहे, मन ज्ञानी होए, मन ईश्वर स्मरण वाला होए। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। आप सबको मेरे बहुत प्यार भरे प्रणाम। प्रभु इस प्रणाम को स्वीकार करे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।